देखो आपको क्या पढ़ा, वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में ये लास्ट चैप्टर है क्या सर? हाइट एंड डिस्टेंस है। तो हाइट डिस्टेंस क्या होता है बाबू, है ना, आपको अप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, किसी भी चीज का, वो ओवर ब्रिज वगैरह का कैसे हाइट वगैरह निकालोगे, सारा का सारा यहीं से पता चलेगा। तो अभी जो भी रिलेटेड है वो, इसमें कई गो ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल दो गो बनेगा, है ना। एक गो वाला बाबू बहुत काम आता है, जब भी आएगा आपको दो गो वाला आएगा। तो क्वेश्चन पढ़ना आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, कैसे बनाओगे वही आपको सीखना है ना। तो क्वेश्चन क्या करा, ये पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व दैट द बाबू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। मतलब क्या बाबू, कोई बैंक वगैरह होगा, रिवर वगैरह होगा ना जी, अब रिवर कैसे बनाओगी भोला, है ना। जैसे मान लो बाबू ये आपका क्या हो गया, रिवर हो गया, शांति समझना, इधर से आपका क्या हो रहा, पानी फ्लो हो रहा बाबू, है ना। ये आपका क्या हो गया, पानी इधर से ऐसे फ्लो हो रहा, रिवर वगैरह हो गया। अब 3D में इसको कैसे बनाओगे जी बाबू, कि नहीं ये ऐसे नहीं बनाना, अरे शैतान समझो ना। जैसे मान लो बाबू ये है, तो इसको ऐसे है, तो यही रिवर हो गया, ऐसे ही पानी फ्लो हो रहा, बोर्ड के अंदर बाहर जा रहा पानी, ठीक। इधर कोई बाबू ऊपर का देख रहे ज्योति, इधर कोई आदमी खड़ा है, इधर क्या है, ट्री खड़ा है, बैंक के रिवर के दूसरे साइड में क्या है, ट्री है, इधर एक साइड क्या आदमी है ना, एक साइड क्या बाबू आदमी है, इधर मान लो कोई ट्री है भोला, इधर आदमी खड़ा दूसरा किनारे में, ट्री को देख रहा, ऊपर से मुड़ी करके देखेगा, है ना, ठीक ठीक तो आप इमेजिन करो भोला मेरा, है ना, शांति से समझना। ये मान लो आपका क्या हो गया, रिवर हो गया, यही आपका क्या हो गया, रिवर हो गया, ऐसे चौला करके रिवर हो गया। 3D में कैसे बनाओगे जी, 2D ना बनाना जी, ठीक। ये रिवर हो गया, रिवर के एक साइड में क्या है सर, ट्री है, रिवर के एक साइड में क्या है, ट्री है, एक साइड में क्या है, ट्री हो गया, है ना। हाँ सर, इधर क्या हो गया, कोई आदमी वगैरह, इधर क्या हो गया, आदमी वगैरह हो गया, अब बीच में क्या नदी है, बीच में क्या हो गया, नदी हो गया, है ना, ठीक सर। तो वही कह रहा, ये पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर वो ऑब्जर्व दैट द बाबू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री बाबू स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड बैंक इज 60 डिग्री। मतलब यहाँ से बाबू ये आदमी देख रहा है, किसको देख रहा है, ट्री को देख रहा, कितना एंगल से, कितना एंगल से, 60 डिग्री एंगल से, ठीक, 60 डिग्री से ऐसे करके टुकुर टुकुर देख रहा, आम है, आम है, आम लटका हुआ पक्कल है, हमने चाहते तोड़ने के लिए, है ना, ठीक बोला। आगे क्या करे बाबू, ध्यान दे, ही मूव 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। अब ये आदमी क्या किया, 30 मीटर अवे गया यहाँ से बाबू, क्या किया, 30 मीटर कहाँ गया, अवे गया, है ना, यहाँ से क्या किया बाबू, 30 मीटर अवे गया, है ना। अब हाँ मैम, भेज दिए होंगे तो आइए गया होगा, भेज दिए हैं तो आ ही गया होगा, फोन पे से करते हैं क्या। अच्छा हाँ आ गया मैम, ठीक हाँ आ गया है। नेक्स्ट बाबू देखो आगे क्या करना, तो आदमी 30 मीटर किधर, इधर मूव करता है, 30 मीटर इधर चला, हाँ सर नहीं जा सकता जी, है ना बाबू, भेन ही मूव बाबू 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक बाबू, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी बाबू, है ना, 30 मीटर इधर गया तो देखा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 30 मीटर गया, इधर गया 30 मीटर, ठीक से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ से अब देखेगा भोला, यहाँ से देखेगा बाबू मेरे, है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना हो गया इसका, 30 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, है ना। तो कह रहा है वो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ रिवर, इस ट्री का हाइट निकालो और इसका रिवर का विड्थ निकालो। तो यही ना, मान लो ए बी ये सी हो गया और यहाँ पे पॉइंट कोई डी हो गया, ये आपका डायग्राम हो गया, है ना। तो विड्थ का चौड़ाई मान लेते ए बी बाबू, विड्थ का चौड़ाई कितना मान लो ए बी, और ये हाइट आपका बी सी, ट्री का हाइट हो गया, है ना। तो इसको डायग्राम में कैसे बनाओगे, ये तो आपका ये हो गया बाबू, ये बीच में क्या है सर, रिवर है, बीच में क्या है, रिवर है ना, ठीक। बीच में रिवर हो गया, इधर ट्री हो गया, इधर आदमी हो गया, पहले देखा 60 डिग्री, फिर आगे बढ़ा तो 30 डिग्री। अब इसका ट्राइंगल बनाना, तो ऐसे बना दोगे जैसे फिगर दिया हुआ है उसी तरह से बना दो, कैसे बनाएंगे सर, ऐसे बना देंगे, ये आपका क्या हो गया, रिवर हो गया, इधर बाबू आपका ट्री हो गया, ये मान लो पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, अरे इसको ट्राइंगल बनाओगे ना जी, ठीक सर, यहाँ पे आदमी कोई हो गया, पॉइंट ए पे आदमी हो गया,
तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया बोला, ये दिया आपका 60 डिग्री। फिर 30 मीटर चलाओ, फिर 30 मीटर चल के कहाँ आ गया, डी पे आ गया। 30 मीटर इसको चलाओ जी, बस इतना डायग्राम बना लेते हो, ये 30 मीटर चल के पॉइंट डी पे आ गया। ठीक ठीक जी, है ना। अब 30 मीटर चलेगा बाबू मेरे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया आदित्य भोला, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो आपको निकालना क्या करा बाबू, हाइट ऑफ ट्री ये निकालने का रहा, बीसी निकालने का रहा। तो मान लेते हाइट ऑफ ट्री कितना एक्स, ए बी निकालने का रहा बाबू, है ना। तो इसको हाइट ऑफ ट्री है तो इसको एच मान लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, इसको एक्स मान लो, ये आपका एच हो गया, ये एक्स हो गया। अब इस ट्रायंगल में सॉल्व करो, आंसर लूटो, है ना, लेट भोला। चलो ड्रा करो जी, लेट भोला, लेट बी सी इज द हाइट ऑफ ट्री, लेट भोला बी सी इज हाइट ऑफ ट्री, लेट द बी सी इज द हाइट ऑफ ट्री बाबू, बी कितना एच मीटर, कितना मीटर एच मीटर, है ना। एंड ए बी इज विथ ऑफ रिवर, ये कितना एक्स मीटर मान लो। अब दो ट्राइंगल है सर, ट्राइंगल बी ए सी में चलो, बी ए सी में चलो, है ना। हाँ सर, जल्दी से चलो आंसर लूटो बाबू प्रधान, बी ए सी में चलो, कितना लगाओगे, 10 60 इन ट्राइंगल बी ए सी में 10 60 बराबर कितना सर, 10 60 बराबर कितना, एच बाई एक्स, एच बाई कितना एक्स, 10 60 की वैल्यू कितना 1 बटा ये रूट थ्री, रूट थ्री बराबर कितना एच बटा एक्स, है ना सर। यहाँ से एक्स के एच की वैल्यू निकाल दो, एच बराबर कितना रूट थ्री एक्स हो जाएगा। उसके बाद कहाँ चलेंगे, ट्रायंगल बी बी सी डी या डी बी सी, डी बी सी दाल भात चोखा में चलो, इन ट्रायंगल कहाँ चलेंगे जी, डी बी सी में चलो, आंसर आ गया। तो आपको बाबू दो ट्रायंगल में चलना रहता है, कहाँ रहता है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएगा, दो का ट्रायंगल होगा, दोनों ट्रायंगल को बाबू, है ना, 10 30 10 60 लगाओ, आंसर लूटो, 30 डिग्री है तो 10 30 लगाओगे, 10 30 बराबर कितना बी सी बटा बी डी, वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। वैल्यू पुट करो, इरेज करेंगे, जल्दी लिखो जी, इरेज करेंगे बाबू, आंसर जी जल्दी लिखो, आदित्य बोला लिखो जी, बाकी सब बच्चा शादी में गया हुआ। निकालो बाबू, निकाल दो ज्योति, बी सी बराबर कितना पुट करोगी एच, बी डी बराबर कितना 30 प्लस, है ना, एक्स ऐसे तन ब्लर दिख रहा है जी, इतना क्लियर बाबू आ रहा है फिर भी आपको ब्लर दिख रहा है जी। कहा नहीं क्लियर दिख रहा है आशुतोष, वाई फाई भी है भोला, नहीं सर रौनक नहीं दिख रहा जी, रौनक Yes, sir. Yes, sir. शैतान इतना साफ लैपटॉप में तो देख रहा बाबू, सर बारिश हो रहा है इधर, वो आप लोग का नेटवर्क हो सकता है, बाबू लैपटॉप में साफ दिख रहा बोला, लिखो जल्दी लिखो सर, लेकिन उतना भी साफ नहीं दिख रहा, जल्दी लिखो जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू, अब यहां से सॉल्व करो जी, बीसी की वैल्यू पुट करो, ऊपर वाला इरेज करो, बीसी की वैल्यू पुट करो, क्या करेंगे सर, क्वेश्चन इरेज करेंगे, बीसी की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लूटेंगे।
इसको सॉल्व करेंगे बाबू। टैन 30 डिग्री। बीसी बराबर कितना सर? एच है। और बीडी, बीडी बराबर कितना? 30 + x होगा। बीडी बराबर कितना करोगे? 30 + x करोगे। हाँ सर। और x की वैल्यू h है बाबू, h h h h की वैल्यू √3x है, जो इच्छा वो धर दो, है ना। तो tan 30 का वैल्यू कितना सर? 1/√3। h बोला आदित बाबू, यहीं पे समझना बाबू, 30 + x h है ना ऊपर, h बराबर कितना आया? √3x आया, तो h की वैल्यू धर दो, तो h बराबर कितना है सर? √3x है, तो √3x हो गया प्लस x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी, तो 1 × 30 + x, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, √3 × x। अब x की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा आपका। x की वैल्यू निकालो यहां से, तो x मेरा क्या है सर? विड्थ ऑफ रिवर है। सॉल्व करो जी, 1 × 30 + x कितना होगा? 30 + x हो जाएगा, √3 √3 3x हो जाएगा। x को उधर लेके जाओ भोला, तो 30 = x उधर जाएगा, तो 3x - x हो जाएगा, तो 30 = कितना? 2x हो जाएगा। शांत भोला, तो 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, x बराबर कितना? 30/2 = कितना? 15 हो जाएगा। तो विड्थ ऑफ रिवर कितना आ गया? 15 मीटर आ गया। विड्थ ऑफ रिवर कितना आ गया? 15 मीटर आ गया। इसलिए x क्या सर? विड्थ ऑफ रिवर है, तो विड्थ ऑफ रिवर कितना आ गया? 15 मीटर हो गया। हो गया आंसर। अब आपको क्या निकालने का रहा? h की वैल्यू निकालने का रहा। हाँ सर, तो h वाला √3 + x पुट किया ना बाबू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि h बराबर कितना सर? √3x है ना, √3 × x, तो h बराबर कितना? √3 × x की वैल्यू 15, तो h बराबर कितना हो जाएगा? 15√3 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया? हाइट ऑफ ट्री हो गया, बस यही तो करना था। इसीलिए कितना हो गया? हाइट ऑफ जो ट्री हो गया भोला, 15√3 हो गया। मीटर दोगे, मीटर दे देना, है ना। तो यही क्वेश्चन था आपको, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं था। लाभ नहीं सब बच्चा नहीं बाबू, सादे आजकल सादे में गए। जल्दी लिखो, अगला क्वेश्चन देखो बाबू, वही बोला अगला क्वेश्चन बनाने लायक है जी। जल्दी करो प्रधान, अगला क्वेश्चन देखो जी। लिख लिया प्रधान? हाँ। चलिए आगे समझते हैं। देखो अगला क्या बाबू, इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन बनेगा एरोप्लेन वाला, तो सारे का फॉर्मेट ऐसे ही बनाना। आपको स्पीड निकालना कहेगा, कभी डिस्टेंस निकालना कहेगा, कभी हाइट निकालना कहेगा, तो डरना नहीं है, सारे का वही फॉर्मेट होता है भोला। क्या होता है सर? देखो देखो आदित्य भोला, कोई एरोप्लेन है सर, कहाँ उड़ रहा है बाबू? आसमान में उड़ रहा, नीचे से कोई आदमी ऊपर टुकड़ टुकड़ देख रहा है, एरोप्लेन जा रहा है, ठीक। तो एरोप्लेन जा रहा है तो उसका एंगल ऑफ इलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक। उसके बाद कहता है एरोप्लेन कितना 30 सेकंड तक चल जाता है ना, ठीक सर।
तो 30 सेकंड में कितना दूर जाएगा वो तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना बाबू। तो इफ द जेट प्लेन फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इतना मीटर हाइट बाबू, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। मतलब क्या कर रहा, नहीं पूछो समझ में आ, देखो समझाते हैं, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं अदित, देखो समझाते हैं अदित बोला। आप पहले क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन समझेगा सॉल्यूशन तो हो जाएगा सर। क्वेश्चन समझो, डायग्राम बनाओ, उसके बाद ट्रायंगल बनाओ, फिर बाबू 10-60, 10-30 लगाते रहो, आंसर लेते रहो, है ना, ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं करना। क्या कर रहा सर, कोई एरोप्लेन है, नहीं हो सकता जी। हाँ जी एरोप्लेन है बोला, है ना। हाँ यही आपका क्या हो गया बोला, एरोप्लेन हो गया। ये एरोप्लेन हो गया, है ना। तो एरोप्लेन है बोला, कोई क्या करा, द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन बाबू फ्रॉम ए पॉइंट ए। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, ये जेट प्लेन हो गया, यहाँ से टुकड़ टुकड़ ऊपर देख रहा, तो कितना डिग्री से देख रहा है बाबू, 60 डिग्री से। कितना डिग्री से बाबू ईशान, 60 डिग्री से। मतलब यहाँ से ऊपर देख रहे हो 60 डिग्री से, यहाँ पॉइंट ऐसे ऐसे टुकड़ टुकड़ देख रहा है 60 डिग्री से, ना देख सकता है जी। हाँ सर आगे समझो, आफ्टर फ्लाइट बाबू 30 सेकंड, 30 सेकंड के बाद, तो 30 सेकंड के बाद जहाज यहीं रहेगा कि आगे बढ़ेगा, 30 सेकंड के बाद आगे जहाज बढ़ेगा ना जी, यहाँ पे देखे फिर 30 सेकंड के बाद, तो जहाज क्या होगा, आगे बढ़ेगा। हाँ सर आगे तो बढ़वे करेगा, है ना। ये मान लो उड़ के यहाँ आ गया, नहीं जा सकता है जी। हाँ सर काय नहीं जा सकता, ठीक, जहाज उड़ा बाबू शांत और चल गया, है ना। हाँ सर जहाज उड़ा भोला और चल गया, कहाँ चल गया, नहीं ठीक, ये जहाज उड़ के यहाँ पे आ गया, मछली बना दो, नहीं समझ में आता बाबू तो मछली बना दो, और क्या करोगे, है ना। आशा ठीक ठीक सर, है ना। कितना देरी हो रहा बाबू, यहाँ से यहाँ तक क्या गया बोला, 30 सेकंड में, क्या 30 सेकंड में, ठीक है ना बाबू। After flying 30 seconds, बाबू the angle of elevation changes to बाबू 30 degree। अब यहाँ से बाबू जहाज उधर चल गया, तो angle of elevation अभी change होकर कितना हो गया, 30 degree। मतलब जहाज वहां पे चल गया भोला मेरा, है ना, तो angle of elevation कितना हो जाएगा, angle of elevation कितना हो गया बोला, 30 degree। जहाज उड़ाओ, है ना बाबू, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, हर से यहाँ पे आपके अभी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गया, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक। आगे क्या करो, इफ द जेट प्लेन इज अबाउट कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600, ये जमीन से कितना हाइट पे उड़ रहा है भोला, 3600 पे, कितना हाइट पे उड़ रहा ये जमीन से भोला मेरा, कितना हाइट पे उड़ रहा है भोला, 3600√3 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है जमीन से। तो निकालने का स्पीड ऑफ प्लेन निकालो, क्या निकालो, स्पीड ऑफ प्लेन निकालो। सोचो कैसे निकालोगे, सोचना है कैसे निकालोगे, जमीन से बाबू कितना ऊंचाई पे बोला, है ना, 3600√3 मीटर पे हूँ, तो स्पीड ऑफ प्लेन निकालना था। अब आपको समझना है बोला, देखो क्या करना, कुछ नहीं करना, यहां से यहां तक जहाज 30 सेकंड में गया, अगर यहाँ से यहाँ ये दूरी निकाल लेता है, मतलब क्या सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना जी, कैसे सर, ऐसे करके नहीं बनेगा भोला, यहाँ से ये वो बन गया आपका, और यहाँ से भोला ऐसे आप बना दो, ठीक। हाँ सर, तो ए वो ट्रायंगल कौन सा नाम दे दो, ए हो गया, ई पॉइंट आपका बी हो जाएगा बाबू, ये पॉइंट आपका सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, तो ए वो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी, कौन सा बाबू आदित, ए सी डी में 10-30 लगाएगा, और फिर एक राइट एंगल कितना, ए बी ई, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है सर,
तो आप ये दूरी निकाल लोगे तो ये दूरी बराबर कितना, एडी बराबर बीसी है। तो अगर बीसी डिस्टेंस निकाल लेगा, भोला यहाँ से यहाँ जाने का टाइम 30 सेकंड है, तो स्पीड नहीं निकल जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको निकालना क्या है, एडी, ईडी की डिस्टेंस निकालना, ये जितना होगा उतना ही बीसी होगा, तो ईडी निकाल दो आपका काम हो जाएगा, है ना। ठीक सर, तो इसको ट्रायंगल में कैसे बनाओगे, सिंपल सा है बाबू। आपको ईडी का डिस्टेंस अगर निकाल जाएगा, और ई से डी जाने में कितना ले रहा है, 30 सेकंड ले रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड दे देगा, तो यही क्वेश्चन कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा। तो ये डायग्राम हो गया भोला, इसको छोटा डायग्राम ट्रायंगल वगैरह का बनाओगे तो कैसे बनाओगे, है ना, बना लो भोला, ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कैसे, इस तरह से एक ट्रायंगल यहाँ हो गया और एक पॉइंट ए हो गया, बोला एक बार येलो प्लेन यहाँ था तो यहाँ हो जाएगा। ठीक सर, हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ये वाला पॉइंट वा आपका बी हो गया, बस यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से इसको कर दो। बाहर वाला एंगल कितना जी, टेन, ये 60 डिग्री। अंदर वाला एंगल ये कितना, 30 डिग्री। निकाल बोला, बस हो गया। अब आपको करना क्या है, ट्रायंगल ए बी ई में चलो 10 कितना लगाओगे, 60 लगाओगे। ये हेड आपको दिया हुआ 3600√3 दिया हुआ, ये भी दिया बाबू आशुतोष 3600√3 दिया हुआ। निकालो जी आशुतोष, शांतनी शांत जल्दी बाबू, शांतनी हर्षित बाबू कहाँ था जी, हर्षित कहाँ था बोला, सर पापा जी के काम से बाहर गए थे। सॉल्यूशन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन का, इन ट्रायंगल किस में चलेंगे सर, ए बी ई में, टेन से जल्दी बनाए जी, पहले 1060 लगा बाबू, ऑन कर रहे हैं, बंद हो गया बोला, डिस्चार्ज बाबू है ना, नसी जल्दी बना बाबू, 1060 लगाओ तो जी, तुरंत ऑन कर रहे बाबू, जल्दी लगाओ बाबू, समझ ना, 1060 लगाइए ट्रायंगल में। ऑन कर रहे हैं, एक मिनट बाबू, आदित सो गया जी, आदित बाबू दो सर, आपके क्वेश्चन का डाउट 15 नंबर है बाबू, 15 नंबर बता देते हैं, वही क्वेश्चन में है। ऑन हो जा जी, मेन दिन को पढ़ा दे बाबू, जिस दिन दिन को एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं उस दिन बाबू चार्ज नहीं ना हो पाता है। एक बार करते हैं 10 बजे तक चलता है, जितना एक्स्ट्रा उतना कम, आधा घंटा हुआ होगा एक्स्ट्रा, आधा घंटा भी घट गया। जल्दी करो हर्षित, इसको तभी समझ ही में नहीं आएगा, अभी किया तब। ए सी डी में चलो 1030 बराबर कितना, 3600√AD। डायग्राम तो बना लिया होगा बाबू लोग, बनाया डराम डायग्राम जी, है दित बोला ना क्या बाबू, बना लिए सर। चलो ठीक है, अब एसी डी में निकालो, एसी डी में चलो ज्योति जल्दी सॉल्व करो, बोली जितना भी टाइप का क्वेश्चन सब बता दिए, इन ट्रायंगल एसीडी में बाबू, एसीडी में 10 30 डिग्री कितना हो जाएगा, डीसी हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा, एडी हो जाएगा, हो गया एडी हो गया बोला मेरा। ठीक सर,
10:30 कितना? रूट थ्री। डीसी सर ए ई कितना बराबर आपका? 47 है। क्या लिखा डी जी? क्या बोल रहे बाबू? सर ए ई बना ए ई बराबर कितना लिखा है सर? ए बराबर 3600 होगा। ये जित मरेगा भोला बाबू तो 3600 मीटर हो जाएगा। रूट थ्री मरेगा। डीसी कितना? 3600 रूट थ्री बटा एडी। एडी कितना? ए प्लस एडी, ए प्लस ईडी। ए की वैल्यू आ गया सर, एडी की वैल्यू निकाल लेंगे। रूट थ्री बराबर 3600 भोला इंटू रूट थ्री, और ए कितना हो गया सर? 3600। ई डी यहाँ से निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई ना। हाँ सर, सोल्व करो, ई डी की वैल्यू निकालो जी जल्दी बाबू। ई डी बराबर कितना आएगा? सोल्व करो इसको, ई डी निकालो, फिर स्पीड निकाल रहे हैं। कितना आएगा बाबू प्रधान? रूट थ्री में थ्री मर गया जी। 3600 रूट थ्री माइनस 3600, 3600 मल्टीप्लाई 0.732। जल्दी करो, कितना आएगा प्रधान? अरे शैतान, 3600 रूट थ्री मरेगा ना जी। 3600 रूट थ्री प्लस ईडी बराबर 3600 रूट थ्री। यहां से ईडी निकालना भोला मेरा। अरे 36, ये रूट थ्री मर गया समझो। 3600 प्लस ईडी बराबर 3600 है ना भोला? कि नहीं बाबू? कितना बचेगा जी? तो मामला गड़बड़ा गया भोला लगता, कहीं गड़बड़ होगा का जी? छोड़ो, सोल्वे करो बाबू, काला मारोगे, मारो चाहे मत मारो, मरना तो है ही है इसको। इसको इधर मल्टीप्लाई करो जी, कितना हो जाएगा बाबू? गड़बड़ हो गया क्या जी? 3600 बाबू प्लस ईडी, 3600 मर गया जी भोला। हाँ कहीं गलत हुआ है जी? कहा जी? देखो बाबू, बोला कहीं कैलकुलेशन गलत हुआ जी? नीचे क्या हो जाएगा? रूट थ्री हो जाएगा। रूट थ्री मर जाएगा बाबू, 3600 भी मर जाएगा। ये सब शैतान है। कहाँ गड़बड़ हुआ जी? 1060 शैतान। यहाँ पे वो 10:30 के वैल्यू कितना होता जी? सब शैतान खाली सुतल रहता है, इतना गुस्सा पड़ता है ना कभी को। 10:30 के वैल्यू कितना होता है जी? 1/√3। खैर यहीं पे गलती पकड़ाया। 10:30 के वैल्यू 1/√3 कितना होगा? 1/√3 होगा। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वही क्या बोला? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटो। ये कितना हो जाएगा? 3600 प्लस ईडी। इधर ये कितना हो जाएगा? 3600 मल्टीप्लाई √3। रूट थ्री इधर जाएगा ना जी? √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3600 दी तो बोला प्लस ईडी। √3 कितना? 3600 × 3 हो जाएगा रौनक। 3600 मल्टीप्लाई थ्री, 3600 उधर फेंक दो जी, तो ईडी बराबर 3600 मल्टीप्लाई थ्री। ये 3600 उधर चल जाएगा तो -3600 सपना। तो ईडी की वैल्यू कितना आ जाएगा? 36 8 से -36 72 हो जाएगा, 7200 आ जाएगा। इतना क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। मीटर में दिया हुआ जी, यूनिट मीटर में दिया हुआ है, तो इतना मीटर आ गया ईडी। देखो अभी ईडी आ गया बाबू, तो आपका काम आ गया, आसान हो जाएगा। आपको स्पीड निकालने का रहा है तो ईडी आ गया मतलब बीसी आ गया। ये टाइम 20 से सीजन में 15 सेकेंड, तो स्पीड आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? तो इसीलिए बाबू स्पीड कितना हो जाएगा? तो यही आपको करना था भोला, इसलिए स्पीड कितना हो जाएगा? 3600 अपॉन टाइम 15 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसको मार धार करो जी,
माठ धारकर को 1500 720 कितने बार में कटेगा जी? एप प्रधान 1500 720 कितने बार में कटेगा? सात हजार 215 से कटेंगे ना जी? लिखो जल्दी। तो आपको यही सब क्वेश्चन आता बोला, लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। जल्दी लिखो अगला क्वेश्चन, समझाते हैं आदित्य बाबू। उसको काटो जी आदित्य, 1500/15 48 होगा। क्या बोला प्रधान, कितना बोला प्रधान? 480 होगा, 480 हो जाएगा। जल्दी लिखो जी, ये मर गया बाबू, पूरे बार में मर जाएगा। बोल रहा है सही है, बोल रहा होगा, ये 480 बार में मरेगा। कितना हो जाएगा? 480 मीटर पर सेकंड। मतलब एरोप्लेन कितना जा रहा है? 480 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में भी निकाल सकते हो, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करके लिखिए। अगला क्वेश्चन देखो, समझो बाबू, अगला समझाने से बनाने लायक क्वेश्चन है। देखो बोला अगला बाबू, आपका जो क्वेश्चन है बोला आदित्य बाबू, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो आदित्य बाबू, आपके क्वेश्चन जो पूछा बाबू वहां पे क्या दिया हुआ है? नदी दिया हुआ, ऊपर में ओवर ब्रिज दिया हुआ। यहाँ नदी के ऊपर क्या उड़ा बाबू? एरोप्लेन उड़ रहा है। तो आप बोला मैं 3 मीटर दे ले, यहाँ 300 मीटर दे ले, इसको समझोगे? बोला इसी बन जाएगा। देखो कैसे बनाओगे जी आदित्य बाबू, सुध गया जी आदित्य? हाँ, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। 15 नंबर आदित्य बाबू, 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन बोला एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, डाटा थोड़ा सा चेंज है आपका। देखो क्या करा, इसको समझो हर्षित शैतान। कोई नदी है, नदी के ऊपर क्या उड़ रहा है? एरोप्लेन उड़ रहा है। कितना मीटर की हाइट पे उड़ रहा है? 300 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। तो करा एरोप्लेन से बाबू कोई आदमी झांक रहा है, तो नदी के दो किनारा होगा, तो दोनों किनारे का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ। क्या दिया हुआ? एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ, 45 डिग्री दिया हुआ। वो कह रहा बाबू बीथ ऑफ रिवर निकालो, है ना? देखो बाबू आदित्य बोला, समझना बाबू, बुक में कैसे बनाया नहीं बनाया, बुक पे मत बन जाइए। आपको कैसे सिखाया गया अपना तरीका से बनाओ, बुक में तो उलबुला देगा। जैसे बाबू मान लो रिवर है, अब रिवर कैसे बनाओगे जी? 3D है भोला। जैसे मान लो यही रिवर है, ये आप है ना, ऐसे पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, ठीक, ऐसे रख दो रिवर, पानी ऐसे बाहर बह रहा है बहुत की ओर, है ना? तो इसको इस तरह से बना दो, ये रिवर हो गया, है ना भोला? ये आपका रिवर हो गया, इसी के सहारे पानी बह रहा है कि नहीं? तो रिवर का दो किनारा होगा ना जी, ये रिवर बैंक हो गया। तो मान लो पॉइंट ए है बाबू आदित्य, पॉइंट बी है, है ना? एरोप्लेन इज बाबू फ्लाई एट हाइट बाबू 300 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड बाबू, है ना? फ्रॉम द ग्राउंड बाबू फ्लाइंग एट द हाइट बाबू, हाइट एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री 45 डिग्री, है ना बाबू? कहां से बाबू? बैंक ऑफ रिवर से। कोई एरोप्लेन है बोला, मान लो एरोप्लेन यहाँ पे कुछ होगा, छोटा सा बनाते बाबू, छोटा सा एरोप्लेन बनाते हैं कि नहीं? हाँ सर, छोटा सा एरोप्लेन बना लो। तो ये कितना हाइट पे बाबू, कितना हाइट पे बाबू? 300 मीटर की हाइट पे। यहां से कोई आदमी होगा एरोप्लेन बाबू, टुकुर टुकुर देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया बाबू आदित्य, समझना बाबू? सेम क्वेश्चन है जी, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, 45 डिग्री दिया और 60 डिग्री दिया हुआ। तो यहां से देखेगा टुकुर टुकुर आदमी भोला, तो एक साइड 45 डिग्री दिया हुआ है, यहां से हॉरिजेंटल से बनाए ना जी, तो मान लो एगो 45 डिग्री दे दिया
इधर हॉरिजेंटल से बनाएगा तो एगो 60 डिग्री दे दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन जब भी होता बोला पिछला पढ़ाए है ना, ऊपर देखोगे तो इलिवेशन, नीचे देखोगे तो डिप्रेशन, तो नीचे देखोगे तो आंख को हॉरिजेंटल से कितना नीचे देख रहा, आप आंख को हॉरिजेंटल में रखो ऐसे करके कितना नीचे देख रहा है टुक टुक, तो ये जो आपको कोना बन रहा है वही एंगल हुआ, तो यहाँ से बाबू नीचे 45 डिग्री एगो के नीचे 60 डिग्री, तो कह रहा बाबू विथ ऑफ रिवर निकालना है, इसका रिवर निकालने का है ना, इसका क्या निकालो बाबू, रिवर की चौड़ाई निकालो, तो ए बी हमने क्या माना, रिवर माना, ए बी इस पॉइंट को सी नाम दे दो, इसको डी नाम दे दो कि नहीं, अब बता बाबू ई लाइन में, ई लाइन में पैरेलल होता है, ये एंगल कितना होगा जी, पहले तो बोला ये एंगल कितना होगा बाबू, बोलो जी कितना होगा जी, तो एंगल कितना होगा जी, ना बता बाबू, अरे भोला ई लाइन मा और ई वाला लाइन मा पैरेलल होता है, ई वाला लाइन मा, ई वाला लाइन मा पैरेलल है, ई लाइन में पैरेलल है ठीक है ना, तो ये 60 डिग्री तो ये कितना होगा जी आदित्य बाबू, तो 6 बजे 7 बजे वाला क्लास करोगे और क्या करोगे आदित्य भोला, जब एंगल बाबू नहीं क्लियर है तो क्या करोगे, कितना होगा हर्षित बता बाबू, ये एंगल बाबू 60 डिग्री ये वाला कितना होगा जी हर्षित, हर्षित 60 सर, अरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं जानता बाबू आदित्य, बोला ये 60 है तो ये कितना होगा 60 हो जाएगा है ना, ये वर्टिकल हाइट है भोला, तो वर्टिकल हाइट है तो ये 90 डिग्री होता, खून ही सब सुखा देता, ये 60 हो गया, ये 45 है तो ये कितना होगा 45 होगा, तो आप क्या करो बाबू एक बार ट्रायंगल बाबू ए सी डी में चलो, 300 दे ले हाइटवा जो प्लेन का हाइटवा है 300 दे ले आदित्य भोला, तो एक बार बाबू किस में चलो ए डी सी में चलो, ए डी निकाल दो, एक बार ट्रायंगल बी डी सी में चलो बी डी निकाल दो, और दोनों को निकाल के जोड़ दो है ना भोला आदित्य, कहाँ गया जी, लीव हो गया जी, ऐसे शैतान आदित्य, हाँ आता समझ बाबू, तो इन ट्रायंगल भोला किस में चलोगे ए डी सी में चलो, ए डी सी में चलेंगे, टेन 60 डिग्री लिखेंगे, कितना लिखेंगे आदित्य, टेन 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे डी सी बटा क्या करेंगे ए डी ठीक, टेन 60 की वैल्यू कितना जी रूट थ्री बराबर डी सी बटा ए डी, रूट थ्री बराबर डी सी की वैल्यू कितना 300, डी सी की वैल्यू कितना 300 बटा ए डी की वैल्यू रह देंगे, ए डी इधर से निकालो जी आदित्य बाबू, ए डी बराबर 300 बटा रूट थ्री हो गया ठीक से, ए डी निकल गया, फिर ट्रायंगल किस में चलेगा डी बी सी में, इन ट्रायंगल डी बी सी में टेन 45 लगाओ, कितना लगाओगे आदित्य टेन 45 डिग्री, टेन 45 का कितना डी सी बटा डी बी, टेन 45 की वैल्यू आदित्य बाबू 1, डी सी की वैल्यू कितना 300 बटा डी बी, डी बी इधर लेकर बोला तो डी बी बाबू निकल गया कितना 300 मीटर, तो विथ ऑफ विथ, अब विथ ऑफ रिवर नहीं निकल जाएगा ये है ना, विथ ऑफ रिवर बाबू ऊपर मान लेना बाबू, लेट विथ ऑफ रिवर ए बी, लेट विथ ऑफ रिवर, विथ ऑफ रिवर क्या बाबू ए बी है ना, इज बाबू मान लो कुछ, मान लो एक्स मानना यहां तक है, एक्स मान लो इज एक्स मीटर, तो ई है निकल गया, ई निकल गया तो दोनों का जोड़ देगा तो ना निकल जाएगा जी, इसीलिए भोला विथ ऑफ रिवर, रिवर की चौड़ाई निकालने का रहा, तो विथ ऑफ जो रिवर होगा भोला क्या हो जाएगा ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी, एडी की वैल्यू कितना सर 300 बटा रूट थ्री बाबू आदित्य भोला, 300 बटा रूट थ्री, डीवी की वैल्यू कितना 300, अब इसको सोल्व करो आदित्य बाबू, आंसर लो 303 ये सोल्व करो, सोल्व करके आंसर लो जी, लिखो बाबू
कितना मीटर होगा ये वाला सॉल्व होगा दे तो कि नहीं होगा जी? यस सर। इसको सॉल्व कर लेना वो 100 रूट थ्री, यहाँ से रूट थ्री से ऊपर नीचे कंजुगेट करोगे 100 आ जाएगा। लिखो जी अगला क्वेश्चन बाबू, समझाता दे जल्दी लिखो, अगला क्वेश्चन समझा देते हैं। जल्दी लिखो प्रधान, कितना होगा सॉल्व करके वो 300 बटा रूट थ्री प्लस 300। जल्दी कीजिए, एक आध दिन और वो कल इसको आपको फिनिश कर दिया जाएगा। आशुतोष सुत गया जी।